हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं जानकारी आपके लिए, खासकर लोन ऐप्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बहुत से कैंडिडेट ऑनलाइन लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रेडिट है इस तरह की रहती है कि बैंक उनको लोन नहीं देते हैं। आयो यूं बोलें बेरोजगार हैं, काफ़ी सारे समस्याएं होती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बेरोजगार कैंडिडेट को लोन प्राप्त करना किसी संस्था से बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर बैंक वगैरह तो सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कैसे मोबाइल के माध्यम से ही कुछ ही मिनटों में गारंटेड लोन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपको हाई लोन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब अधिक मात्रा में लोन आपको उपलब्ध कराते हैं और गारंटेड लोन उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए, वो जो थ्री एप्लीकेशंस हैं उनकी हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हम बात करेंगे, जो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है, वो है क्रेडिट बी। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि आपको लोन कैसे मिलेगा और कितनी मात्रा तक में आपको लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा क्रेडिट बी है वो ओपन हो रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि मैंने जो लोन लिया है वो 25,000 रुपये का लोन मैं ले चुका हूँ। और इसकी खासियत ये है कि ये आपसे ब्याज कम लेता है और आपको जो पेमेंट करना होता है अपने लोन का वो ज़्यादा किस्तों में करना होता है, तो काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें, मैंने 25,000 रुपये का लोन लिया था और यहाँ पर मुझे 6 इंस्टॉलमेंट में यानी 6 माह में उसको चुकाना है। तो 6 टुकड़ों में उसको कर दिया है। जो मेरी किस्त है वो 4410 रुपये होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि अभी मेरी जो 4 किस्तें हैं वो पेमेंट करने के लिए शेष बची हुई हैं, जिनका मुझे पेमेंट करना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि मेरी जो इसमें लिमिट है क्रेडिट बी में वो 25,000 थी पहले, और मैं वर्तमान में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। होम बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, इसमें मुझे क्लिक करना है। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर फिर पर्सनल लोन सैलरीड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि मुझे 2,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, ये मेरे लिए क्रेडिट बी ने ओपन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी हुई है कि ये जो लोन है वो उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो सैलरीड होंगे या जिनको सैलरी मिलती होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि अप्लाई नाउ में जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि अप्लाई नाउ लिखा हुआ है और यहाँ पर टेन्योर अप टू 12 मंथ्स, यानी कि मुझे ये 12 माह में चुकाना पड़ेगा। और अप्लाई नाउ में यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से लोन लिए हुए हूँ, तो यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वगैरह देनी होगी कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी वगैरह क्या है, वेरीफाई इनकम, यानी कि अपनी जो इनकम है उसको वेरीफाई करना होगा। तो मुझे ये वाला लोन 2,00,000 रुपए का नहीं चाहिए है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैं जो 25,000 रुपए का लोन लिया है उसको जैसे चुका देता हूँ तो ये जो अगला है 30,000 रुपए का फ्लेक्सी पर्सनल लोन, मैं इसको आसानी से ले सकता हूँ। गेट नाउ जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 2 लोन यहाँ पर है। मैं चाहूँ तो 23,000 का लोन भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो 30,000 रुपए का भी लोन ले सकता हूँ कुछ ही मिनटों में। किसी भी तरह का कोई भी काम मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे अपनी जो इनकम है वो उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। क्रेडिट बी ने ये जो लिमिट है 30,000 रुपये तक की मेरे लिए आसानी से खोल रखी है। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि ये जो लोन है हमें मिलेगा सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। इसके पश्चात आप अगर ऑनलाइन कुछ परचेज करना चाहते हैं तो क्रेडिट बी ने मेरे लिए 60,000 रुपये का लोन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है कि मैं अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं 60,000 रुपये तक की परचेजिंग कर सकता हूँ, यानी कि ऑन परचेज यानी ई बाउचर है, मुझे 60,000 रुपये का दे देगा। तो जैसे मुझे लैपटॉप या ऐसी कोई चीज़ खरीदना है तो मुझे 60,000 रुपये का लोन कुछ ही मिनटों में यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, गेट ई बाउचर। लेकिन ये फ्रेंड्स देखिए कि ये साइट है, इनसे मैं 60,000 रुपये तक की जो कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ मेरी जब मर्जी हो। फर्स्ट है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और निक्का, ये एप्लीकेशन, ये जो साइट्स हैं इनसे मुझे ख़रीदना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि ये हायर आपको लोन प्रदान कर देती हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि जितने भी एप्लीकेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको कभी इंस्टेंट आवश्यकता पड़ जाती है लोन की तो आप इनसे लें। लेकिन मैं फ्रेंड्स बता दूं कि और जितने भी जैसे कि एप्लीकेशन हैं, आगे हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस वीडियो के नीचे मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक उपलब्ध करा दूँगा और उसमें मेरा एक कोड भी होगा। जब आप उसके माध्यम से क्रेडिट बी में आप साइन अप करेंगे लोन लेने के लिए तो वहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें
कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जब आप कोई भी लोन लेते हैं तो लगभग आपको जो प्रोसेसिंग फीस रहती है, ये एप्लीकेशन यानी क्रेडिट भी हो गया और भी जितने वेब एप्लीकेशन हैं, वो अच्छी खासी प्रोसेसिंग फीस आपसे लेते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि मेरे कोड के माध्यम से आप साइनअप करते हैं और लोन लेते हैं तो आपको जो लोन मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। और यदि आप बिना कोड के सीधे साइनअप करते हैं तो कई बार जीरो लिमिट दिखाता है, यानी कि कोई भी लोन उपलब्ध नहीं होता, या कंपनी आपको बाद के लिए कह देती है कि हम आपको 6 महीने बाद आप दोबारा से अप्लाई करना, तब हम आपको देंगे, अभी हमारे पास में लोन आपके लिए नहीं है। तो इस बात का फ्रेंड्स ख्याल रखना है कि यहाँ पर जितने भी 3 एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ सभी का मैं लिंक डाल दूंगा और उनका अपना एक कोड भी होगा, तो उस कोड को डाल के ही आपको साइनअप करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एक दूसरा जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया है और चलते हैं हम दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको हम आपको बता रहे हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स वो है कैशबिन। यह भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन जो क्रेडिट भी है उसको मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि यहाँ पर जो मेरी लिमिट है वो यहाँ पर है, मुझे पिछली बार जो लोन मिला हुआ था, योर टोटल रिपेमेंट अमाउंट, लोन अमाउंट मुझे मिला था 13,595 रुपये का लोन मुझे प्रोवाइड कराया गया था, और जो टोटल रिपेमेंट अमाउंट है 14,186 रुपये, और ये जो पेमेंट है मुझे 2 माह में करना है, यानी 2 किस्तों में करना है। तो इस तरह से मेरी जो किस्त बनी थी एक, वो बनी थी 7,092 रुपये की। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये जो कैशबिन है ये एक सेकेंड एप्लीकेशन है जो आपको अच्छा खासा अमाउंट लोन के रूप में दे देगा जब भी आपको चाहिए हो। इनकी खासियत फ्रेंड्स ये है, जितने भी एप्लीकेशन है, कि अगर आप इनका जो पेमेंट है टाइम टू टाइम कर देते हैं, किसी तरह के डिफ़ॉल्टर नहीं होते हैं, तो जैसे ही आपका लोन पूरा होता है कुछ ही सेकेंडों में आप दोबारा से लोन ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स इसकी खासियत रहेगी। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देख लें, जैसे कि मैंने एक जो लोन लिया था जो लोन अमाउंट है वो 13,595 रुपये थी, टोटल रिपेमेंट अमाउंट यानी कि मुझे जो पूरा रुपया देना पड़ेगा वो मुझे लगेगा 13,186 रुपये, यानी कि यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख लें कि काफ़ी जो रुपया है वो यहाँ पर मुझे लगने वाला है। तो यहाँ पर देखें डिसबर्सल अमाउंट मुझे 12,600 रुपये मुझे मिला हुआ था, तो यहाँ पर आप देखिए लगभग 12, 13, 14 करके इस तरह से, मतलब 1500 के आसपास मुझे जो लोन है ज़्यादा मतलब ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर देखिए डिसबर्सल अमाउंट 12,600 रुपये मेरे अकाउंट में मिला था, जिसमें प्रोसेसिंग फीस मुझे लगी 843 रुपये और GST 152 रुपये और टोटल इंटरेस्ट 591 रुपये मुझे लगा है। तो इस तरह से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग 1500 के आसपास होता है। इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कैशबिन में साइन अप होंगे, और अगर कोड वगैरह हो तो आप कोड के माध्यम से भी आपको साइन अप होना है। तो ये जो आपको प्रोसेसिंग फीस है, जैसे कि यहां पर देखिए 843 रुपये लगी है, उसमें लगभग 150 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, जो मतलब ऑफ़र कैशबिन ने उपलब्ध कराया होगा उस टाइम पे, तो उस अनुसार आपको जो डिस्काउंट है वो प्रोसेसिंग फीस में मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये कैशबिन है और मैंने इसको सेकेंड नंबर पे रखा हुआ है लोन के मामले में। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम एक जो तीसरा एप्लीकेशन है उसके बारे में। इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि आपका एक जो अगला एप्लीकेशन है वो है धनी एप्लीकेशन। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कुछ समय पहले इसका बहुत प्रचार हो रहा था, जब IPL चला करता था तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इसका प्रचार किया जाता था। तो चलिए हम इसमें साइन अप हो जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे हम साइन अप होते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारी सुविधाएँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर आप फ्री धनी डॉक्टर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड, यानी कि आप डॉक्टर से कभी भी कोई भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं कि मैंने अभी यहाँ पर 25 रुपये का मुझे शुरुआत में लोन मिला हुआ था, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 1 Freedom 0% इंटरेस्ट कार्ड, इसको अगर आप एक्टिव कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको 5,000 तक की शुरुआत में लिमिट यहाँ पर तुरंत आपको मिल जाएगी और सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा वो रुपया। तो यहाँ पर सेटअप ई मैंडेट के लिए मुझे सीधे बोला जा रहा है, और मैंने पहले देखा था
यहाँ पर 5,000 रुपये मुझे उपलब्ध करा रहा था, लेकिन आगे प्रोसेस के बाद बोल रहा है कि आप साइन अप ई मैंडेट। ई मैंडेट का मतलब ये होता है कि आप अपने बैंक से सीधे इसको अधिकार दे देते हैं कि ये रुपए सीधे आपके अकाउंट से काट ले जब भी इसको रिपेमेंट करना हो, यानी आपको नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से सीधे डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें अप टू 25,000 एट जीरो इंटरेस्ट, यानी कि 90 दिन तक आप 25,000 रुपये ले सकते हैं और 90 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी आपको ब्याज यहाँ पर नहीं लगेगा। आगे यहाँ पर देखें कि धनी पे जो डेबिट कार्ड है उसको अगर आप ले लेते हैं तो आपके कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो उसमें आपको 5% का कैशबैक मिलेगा तुरंत ही। तो कुछ भी आप परचेज करेंगे, कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, कोई भी रिचार्ज करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं अमेजोन या कहीं से भी, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसकी जो बात है, जब आप इस कार्ड को इशू कर लेते हैं तो आपको मासिक जो कॉस्ट है इसकी वो 200 रुपये लगती है। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है कि जब आप ज़्यादा खर्च करने वाले हों या ज़्यादा परचेजिंग करने वाले हों तब ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो ये जो वन फ्रीडम करके है इसको आप एक्टिव करेंगे तो आपको 5,000 रुपये का लोन तुरंत ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें मैनुअल एडजस्टमेंट करके, और इस तरह से मैंने इससे 1695 रुपये ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट में, यानी कि मुझे 1700 के आसपास कुछ यहाँ पर सीधे लोन उपलब्ध कराया गया था। तो अब फ्रेंड्स एक बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपसे इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा लेते हैं। तो इस बात का फ्रेंड्स आप ख्याल रखिए कि जब आपको रुपये की विशेष आवश्यकता हो तभी आपको ये जो एप्लीकेशन है उनसे आपको लोन लेनी है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से आसपास मित्र वगैरह से रुपए उपलब्ध हो सकते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनसे अगर आप ब्याज में लेते हैं 2-3 रुपए में जैसा कि आप जानते हैं मिल जाता है ब्याज में, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है क्योंकि यहाँ पर उसके मुकाबले ज़्यादा ब्याज आपको देनी पड़ती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर जो EMI के माध्यम से आपको रुपए चुकाना होता है, जैसे कि मैंने किसी से 25,000 रुपये का लोन अगर मैंने लिया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो मुझे हर माह मुझसे जो रुपए है वो लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25,000 का लोन मैंने लिया तो मुझसे उन्होंने 4,500 रुपये एक माह में ले लिए, यानी कि अगले जो रुपए हैं मुझे 20,000 रुपये का उपयोग करने को मिलेगा, यानी कि जो 6 माह के लिए मैंने लोन लिया है वो 6 माह में पूरा पेमेंट कर देना होता है। अगर आप मित्र के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपको 6 माह उसको कुछ भी लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी 6 माह तक 25,000 रुपये पूरे के पूरे आप यूज कर सकते हैं और 6 माह के पश्चात उसको ब्याज सहित लौटा सकते हैं। तो ये सुविधा होती है अगर आप किसी मित्र दोस्त यार से लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी से मांगना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कोई ऐसा माध्यम, रुपया भले ही ज़्यादा लग जाए हमें तुरंत लोन उपलब्ध हो जाए, वो हॉस्पिटल के लिए हो सकता है, आपको कुछ इलाज के लिए हो सकता है या कोई अन्य आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैंने ये जितने भी लोन एप्लीकेशन हैं उनके बारे में आपको बताया है और उनके सभी के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर लें इस एप्लीकेशन को और साइन अप कर लें कोड के माध्यम से, और मेरा मानना है कि आपको अच्छा खासा लोन उपलब्ध होगा। और मैं एक और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जितने भी एप्लीकेशन हैं शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, सीधे ही आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं देते, लेकिन जब आप इनके लोन को चुका देते हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं होते, तो तुरंत ही आपकी जो लिमिट है वो ज़्यादा कर देते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है आपको 5,000 का लोन दें, हो सकता है 10,000 से शुरुआत करें या 7,000 से शुरुआत करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छा खासा लोन शुरुआत में ही उपलब्ध हो जाता है। मेरा मानना है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मित्रों के साथ फेसबुक में अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।